मेरे दो अंडे कहाँ गए? बॉस आपने ये क्या कर दिया? तुम्हारे मुंह उतने वाले मशीन से शुरू करते हैं। ए, इधर आओ, इसका पैंट उतारो। भाई गाइस गाइस के हमको कंटिन्यू देखना चाहिए कि नहीं गाइस? इसके चैनल का नाम है काल्पनिक एंड फ्री फायर सुपर हीरो मूवी। पार्ट वन और पार्ट टू में आप लोगों ने देखा कि इन तीनों को खतरनाक सुपर पावर मिलता है। okay. और एडम को सुपर पावर मिलता है उड़ने का। okay. ये उड़ के कहीं भी जा सकता है। और तो गाइस पार्ट वन में यहाँ पर एडम को सुपर पावर मिला है कि ये उड़ के कहीं पर भी जा सकता है। एडम उड़ता है पाद मार के, मतलब एडम पाद मार के उड़ता है बे। ये इतना जोर से पाद मारता है ये रॉकेट की तरह एकदम उड़ जाता है। और काल्पनिक को पावर मिलता है स्पीड का। अच्छा, इसने अपना मतलब इन गेम कैरेक्टर भी डाला हुआ है काल्पनिक, इसको मतलब स्पीड फ्लैश सुपर फास्ट स्पीड का इसको पावर मिला है। चलो देखते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। काल्पनिक इतना तेज भागता है कि वो किसी बाइक या ट्रेन से भी तेज भाग सकता है। ओके ओ, और आलोक को मिलता है स्ट्रेंथ का पावर। आलोक के पास इतना ताकत है कि वो इतनी भारी कार को एक हाथ से उठा लेता है। पर सुपर पावर मिलने के बाद इन तीनों की परेशानी और भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब विलन इन तीनों को मारना चाहता है। और फिर विलन ने इतना खतरनाक दिमाग लगाया कि क्यों यार तीनों को पकड़ लिया। अब विलन भाई यार एडम के पास उड़ने वाला पावर था पाद मारकर, आलोक के पास सब कुछ उठाने वाला, और सबसे फास्ट वाला पावर काल्पनिक के पास था, स्टिल विलेन ने पकड़ लिया, तो फिर क्या फायदा उस पावर का? तीनों को अपने अड्डे में ले जा रहा है ताकि वो इन तीनों को मार सके। okay. वो भी तड़पा तड़पा के। विलेन कौन है लेकिन मैंने देखा नहीं, विलेन कौन था? ओके okay, इनको पकड़ के रखा है। अरे देखो, आलोक को भी पकड़ के रखा है, काल्पनिक को भी पकड़ के रखा है, और एडम को भी पकड़ के रखा है, और मनी हाइस्ट के सब गार्ड यहाँ पर है, बट मेन विलेन कौन है? अरे जानू एक चुम्मा दो ना। अबे अरे ये क्या बोल रहा है? मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ भाई। भाई इसका एडिटिंग में भाई वो लिप सिंक कितना परफेक्ट है बे। अबे पतोड़े उठ दो ना। अरे मुझे यहाँ किसने बांधा है? ये लोग ने हमें बांध के रखा है, लगता है ये लोग हमें मारना चाहते हैं। अरे नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। एग्जैक्टली भाई, मेरा भी शादी नहीं हो रही। अब मतलब अगर कोई बोले ना कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो मन में ना सबके मन में एक ही चीज आती है ना बात में, यार अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। एक्चुअली बात शादी की नहीं किसी और चीज की होती है, बट यार कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ओके विलेन आ गया, विलेन। अरे ऋतिक रोशन विलेन है भाई साहब, धूम 3 चल रहे हैं यहाँ पर। तुम तीनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है, पर okay. मैंने तुम तीनों का डीएनए सैंपल निकाल लिया है। okay. और अब तुम तीनों का डीएनए सैंपल मिला के मैं सुपर पावर बनाऊंगा। okay. और अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, वो भी तड़पा तड़पा के, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। तो मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। कोको कोला पियोगे? थैंक यू सो मच। वहाँ पे जो कोको कोला है वो पूरी बोतल तुम्हें मैं पिलाऊंगा, और फिर एक घंटा इंतजार करूंगा। इंतजार पर किस चीज का? तुम्हारे पेशाब के आने का इंतजार। पर तुम पैंट में नहीं मूतोगे, और तुम पेशाब को होल्ड करके रखोगे, और फिर थोड़ी देर के बाद तुम अपने पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और जैसे ही तुम पैंट में मूतने वाले होगे, तब मैं तुम्हारा पेशाब करने वाला मशीन काट दूंगा इस चाकू से। मुझे तो बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है। बहन डर गई। बहुत कर लिया मैंने बात तुमसे, अब लूंगा मैं तुमसे बदला मेरे पैसे नुकसान करने का। अरे नहीं प्लीज नहीं 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 अरे नहीं प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। ओ काट दिया, थोड़ा सा काट दिया। और तुम दोनों भी रेडी रहो, और इसको मारने के बाद तुम दोनों का हाल भी ऐसा ही होगा। अब मैं तुम्हारा उंगली काटूंगा, फिर एक एक करके सारी उंगली काटूंगा, फिर तुम्हारा हाथ काटूंगा, फिर तुम्हारा पैर काटूंगा, और आखिरी में तुम्हारा सर काट दूंगा मैं। तो फिर चलो कार्यक्रम शुरू करते तुम्हारा उंगली काटने का। अरे नहीं प्लीज, नहीं उंगली प्लीज, नहीं।
अरे नहीं यार, उंगली से मजा नहीं आ रहा है, क्या करें? आइडिया, हाँ तुम्हारे मुंह उतने वाले मशीन से शुरू करते हैं। ए, इधर आओ, इसका पैंट उतारो। ले भाई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो, पागल हो गए हो क्या तुम्हारा? अरे टकले हट जाने। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे मैंने चड्डी नहीं पहनी है, मेरा पैंट छोड़ दे, हट टकले मेरा। अरे प्लीज मत काटो मेरा मशीन, अगर तुम लोगों ने मेरा मशीन काट दिया तो फिर कोई लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी। अरे मुझे छोड़, अरे टकले हट, फेस देखो फेस, हट टकले हट जा। फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जानू। अरे 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 नहीं, अरे अरे नहीं जानू, मैं किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ किसी काम पे हूँ अभी, ऑफिस पे। क्या क्रोनो बीमार है? उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है जानू, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके ये चला गया अभी, मैं अभी जा रहा हूँ, पर कल सुबह आऊंगा और फिर इन तीनों को मार डालूंगा। पर तब तक के लिए ध्यान रहे कि ये तीनों यहाँ से भागने ना पाए। ओके तो गाइस, कुछ देर के लिए यहाँ पर बला टल गई। और सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए वो बटन दबना नहीं चाहिए, किसी ने अगर वो बटन दबाया तो इनका लॉक खुल जाएगा और ये लोग आजाद हो जाएंगे, और अगर इनका लॉक खुल गया तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। भले ही तुम्हारे पास गन हो, बंदूकें हो, पर भूलना मत इनके पास सुपर पावर है, ये लोग तुम्हारे पिछवाड़े की धुआं निकाल देंगे। ओह माय गॉड, चलो काफी बढ़िया था गाइस, लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट दिस क्रिएटर काल्पनिक भाई, काफी बढ़िया वीडियो बनाया है, ठीक है, काफी बढ़िया, मेरे को काफी मजा आ रहा है अभी तक तो, 5 मिनट देख लिया, काफी मजा आ रहा है गाइस। एक बार चैट में सब लोग काल्पनिक ओपी लिख देना, ठीक है, उसने वीडियो बनाया तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। इसका मतलब हम कल सुबह मरने वाले हैं? नहीं, हम नहीं मर सकते हैं, हमें हमें कुछ सोचना होगा, हमें कैसे भी करके उस बटन को दबाना होगा। बटन को दबाएंगे तो बटन दबाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो बटन बहुत दूर है। अरे यार, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बटन बहुत दूर है, हम पक्का कल मरने वाले हैं, इससे अच्छा थोड़ी देर सो जाओ। मैं तो भी सो जाऊंगा, क्या पता किसी खूबसूरत लड़की का सपना देख लूं मरने से पहले। ये थोड़ा ध्यान से देख रहा है। अरे एडम, अरे आलोक, अरे उठो उठो, विलेन आ गया क्या हमें मारने? अरे तुम दोनों ने कुछ नोटिस किया? हाँ किया ना मैंने नोटिस। अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या क्या तूने नोटिस? यही कि हम 2 घंटे में अभी मरने वाले हैं। अरे नहीं यार, अरे बेवकूफ, वो नहीं यार, मैं कब से उस बॉडी बिल्डर वाले विलेन को नोटिस कर रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ कि वो हर 1 घंटे में 1 सिगरेट पीता है। अरे तू इस चीज का मैं क्या करूँ, अचार डालूँ? नोनी, अरे पूरी बात तो सुन, इस चीज का हम फायदा उठा के यहाँ से भाग सकते हैं। तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? क्या मतलब इसकी सिगरेट पीने की वजह से हम यहाँ से भाग सकते हैं? अरे हाँ सही कहा, मैं समझ गया हूँ, हम सच में भाग सकते हैं। रुक जा, मैं तुझे समझाता हूँ। देख देख, काल्पनिक सही कह रहा है, अगर वो बंदा 1 घंटे में 1 सिगरेट पी रहा है तो इसका मतलब वो 1 दिन में 10 से 15 सिगरेट तो पीता ही होगा, इसका मतलब 1 हफ्ते में 112 सिगरेट और 1 महीने में 448 सिगरेट और 1 साल में 5372 सिगरेट पीता है, इसका मतलब समझ रहे हो सकता है ये बंदा 2 साल में कैंसर से मर जाए। अरे तू पागल है क्या? वो 2 साल में मर सकता है पर हम 2 घंटे में मरने वाले हैं अभी, दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे हाँ हाँ मैं समझ गया, अरे देख मैं बताता हूँ, काल्पनिक सही कह रहा है, अगर ये टकला हर दिन इतना सिगरेट पीता है तो इसका पक्का सिगरेट खत्म होने वाला होगा, तो जब ये टकला दुकान में सिगरेट खरीदने जाएगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। तुम दोनों अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो, ठीक है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करो,
क्या तुम दोनों ने कभी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम को स्प्रे करके आग जलाया है? अरे हाँ, ये तो मैंने घर में किया था और हमारे साइंस टीचर ने भी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। हम भी ऐसे आग जलाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। अरे काल्पनिक, क्या बकवास कर रहा है यार। न हमारे पास परफ्यूम है, न हमारे पास माचिस की तीली है, हम आग कैसे जलाएंगे? अरे मैंने बोला ना तेरे को, तू अपना दिमाग इस्तेमाल मत कर, जितना बोला है उतना कर बस। अरे देख, वो सिगरेट पीने वाला है। एडम उस टकले बॉडी बिल्डर के मुंह पे एम करके जोर से पाद, और जोर से पाद। अरे क्या कर रहा है, जोर से पाद नहीं तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं, ये आग कहाँ से लग गई? अरे आग, अरे कोई पानी लग, अरे कोई बुझाओ इस आग को, बॉस के इम्पोर्टेंट पेपर जल रहे हैं। ये लोग कैसे? अरे देख क्या रहे हो, गोली मारो। दब गया, दब गया, दब गया। प्लीज प्लीज मुझ पे गोली मत चलाना, अगर तुम चाहो तो मैं फिर से लॉक में चल जाऊंगा। प्लीज गोली मत चलाना प्लीज। तुझे क्या लगा था तू भाग जाएगा, तू अब मरेगा। अरे वाओ, मैं तो बुलेट प्रूफ हूँ। ये बात, बुलेट प्रूफ आलोक को मारेगा। अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा कालिया, बंदे का काम तमाम। ये बात, कमाल करते हो पांडे जी, मुत दिया बे, इसे तो मुत दिया। सारा डरा दिया। अरे नहीं, देखो प्लीज कोई गोली मत चलाना, मैं बुलेट प्रूफ नहीं हूँ, मुझ पे गोली मत चलाओ। हमें एक साथ गोली चलाना होगा, तीन गिनने पे, ताकि ये बचे ना। एक, दो, तीन। लेट्स गो। सब मर गए। अरे मेरे पिछवाड़े में गोली लग गई। अरे मेरी भी लग गई भाई, मर गया मैं। तेरी वजह से मेरे पिछवाड़े पे गोली लग गई, अब मैं कल टट्टी कैसे करूंगा? शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिछवाड़े पे गोली लगी, नहीं तो अब तक तुम्हारे साथियों की तरह मर जाते थे। भाई साहब बढ़िया है रे वीडियो। जब भी टट्टी करने बैठेगा तुझे मेरी याद जरूर आएगी। मैं भी किसी का पीटना चाहूंगा ना तो उससे मारूंगा, इतना मारूंगा हफ्ते टाइम कम से कम मुझे याद कर। अबे साले। ए भाई, अरे कहाँ चढ़ गया, उतर। अरे छोड़, अरे क्या कर रहा है पागल है क्या? अरे हट जा, मैंने कहा गिर जाएंगे हम। इसका पाथ कमाल का है बे। अरे रुक रुक, दो सेकंड के लुक जा, मेरी बात सुन। देख भाई, जैसे मैं गोली मारता हूँ तू पात के उड़ जाता है। ऐसी बात नहीं कि मेरे पास गोली की कमी है, गोली खत्म हो गई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तू जितनी बार उड़ता है तो उतनी बार पाद मारता है, और उस पाद के चक्कर में पाद की बदबू फैल गई है, और भाई मैं इतना बदबू सह नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तू वैसे मुझे एक बात बता, तू कल रात को खाया क्या था? समोसे और पुदीना की चटनी खाया था। हाँ। अरे नहीं यार, तू ऐसा चीज खाया क्यों नहीं करता जिससे कोई खुशबू आए? जब तू पाद मारेगा तब खुशबू आना चाहिए, तभी तो तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। अभी तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, तेरी बदबू आता है तो गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी बता? दूसरे सुपर हीरो का नाम होता है सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, और तेरा क्या होगा? पदोड़ा मैन। तुझे ये बात अच्छा लगेगा? हाँ, क्या है बता, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग मुझे पदोड़ा मैन बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार। बात तो सही है। बहुत बढ़िया, जैसे ही इसकी नजर मेरे से हटेगी मैं इसके सर पे गोली मार दूंगा। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं पाद की बदबू को खुशबू में कैसे बदलूं यार। नोनी। ले भाई। ओ लकवा लग गया बे, खत्म।
साथ मेरे आंख पे गोली मत मारो, मुझे देखने में मुश्किल। भाई सब मार रहे इसको अभी। अरे नहीं, मेरे पास तो स्पीड का पावर है, मैं तो उन विलन से बच के निकल गया, पर आलोक और एडम नहीं निकल पाए तो मुझे वापस जाना होगा उन्हें बचाने। ये होती है सच्ची दोस्ती। अरे आलोक तू ठीक है ना? अरे काल्पनिक तू आ गया, काल्पनिक पीछे देख। ये टकला टकला तभी काटने वाला था। ए टकले रुक जा, अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने कहा था ना अगर तू मारेगा तो बहुत बुरा होगा, और अगर तूने फिर से मारने की कोशिश की ना ये जो तेरे दो अंडे हैं ना वो टूट जाएंगे, और फिर तुझे मुर्गी के अंडे लगाने पड़ेंगे, फिर तेरे बच्चे भी मुर्गी के जैसे दिखेंगे फिर। तोड़ दिया बे। लगता है मेरे दो अंडे गए काम, गए गए खत्म खत्म। मुर्गी का अंडे से काम चलाना पड़ेगा। खत्म भाई, बर्बाद हो गया, नपुंसक हो गए। अरे वाह काल्पनिक, तुमने इन सबको मार दिया, बहुत बढ़िया यार। चल हमें चलना होगा इससे पहले कि विलन यहाँ आ जाए। चलो गाइस, तीन दोस्त यहाँ से बचकर निकलते हुए। काल्पनिक ने उस टकले विलेन का दो अंडा फोड़ दिया। सच्ची पता है मैंने दूसरे टकले के मुंह पे पाट दिया। अबे छी यार, छी यार, मुंह पे कौन पाता है यार। हद है यार, लगता है उसको मेरी पाट की। ये बढ़िया था ना गाइस, अब तक का बढ़िया रे। तुम लोगों को मैं पैसे किस काम के लिए देता हूँ? चलो विलेन आ गया। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। पहले तो तुम लोग उन तीनों को पकड़ नहीं पाए, और जब मैंने खुद जाके उन तीनों को पकड़ा और तुम तीनों को बस एक दिन के लिए उन्हें देखने कहा, वो भी तुम लोगों से नहीं हो पाया। तुम लोगों की आंखों के सामने से वो लोग भाग के चले गए। और बॉस उस पदोड़े एडम ने मेरे मुंह पे पात दिया। यार अरे चुप हो जाओ, मन तो कर रहा है तुम सबको गोली मार दूं। मेरा इतना पैसा नुकसान हो गया है और तुम लोग हंस रहे हो। बॉस हमने बहुत कोशिश किया उन तीनों को पकड़ने के लिए, और इसी वजह से हमारे लोग मारे भी गए हैं, और ये नपुंसक भी हो गया। उनके पास सुपर पावर था बॉस। बॉस आप मुझे उन तीनों का सुपर पावर दे दो, मैं उन तीनों को अकेले ही मार दूंगा। उनका जैसा शक्तिशाली सुपर पावर अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, पर बहुत जल्द होगा क्योंकि मैंने उनका DNA सैंपल ले लिया है, तो बहुत जल्द उनके जैसे शक्तिशाली सुपर पावर हमारे पास भी होगा। पर फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसे कुछ पावर्स हैं, पर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें उन तीनों का वीकनेस ढूंढना होगा। बॉस वीकनेस? हाँ, उनका वीकनेस यानी कमजोरी। हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होता है, जैसे कि सुपरमैन की क्रिप्टोनाइट, जैसे बैटमैन की कमजोरी है चमगादड़, और जैसे वेनम की कमजोरी है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हम उन्हें हरा सकते हैं अगर उनकी वीकनेस पता चल जाए तो। हमें उन तीनों की स्ट्रेंथ तो पता है, अब उनकी वीकनेस ढूंढनी होगी हमें। तो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दो दिन के अंदर उनकी कमजोरी पता करके आओ। कमजोरी पता करना है। मुझे एडम की कमजोरी पता चल गई है। बहुत बढ़िया, क्या है उसकी वीकनेस? बॉस लड़कियां। ये बात। हाँ बॉस, खूबसूरत लड़कियां। जब मैं एडम के स्कूल गया और तब मैंने उसके क्लास के बच्चों से बहुत सारे सवाल पूछा, और तब मुझे पता चला कि एक बार एडम ने अपने क्लास के सारे खूबसूरत लड़कियों की जूठा पानी पी के पूरा बोतल खाली कर दिया था। और फिर बाद में पता चला कि एडम ने इसलिए जूठा पानी पिया क्योंकि उसने कहीं मूवी में देखा था कि किसी लड़की के जूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। बहुत बढ़िया, हम एडम की इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और उसे मार डालेंगे। और तुम्हें क्या पता चला काल्पनिक और आलोक के वीकनेस के बारे में? बॉस मुझे बस यही पता चल पाया है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा पर मुझे उनके वीकनेस के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो फिर हम उन दोनों की दोस्ती की फायदा उठाएंगे।
और फिर ये उनकी दोस्ती ही उनकी कमजोरी बनेगी और फिर हम उन्हें मार देंगे। पर बॉस कैसे, उनके पास तो सुपर पावर है। इस सुपर पावर और उन तीनों की कमजोरी का फायदा उठा के उन तीनों को मारेंगे हम। ले भाई, उन तीनों के वीकनेस के हिसाब से मैंने तुम्हें पावर दिया है, पर ये पावर उनकी तरह शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए हमें उन तीनों को अलग अलग करना होगा और फिर उनकी वीकनेस का फायदा उठा के उन्हें मारना होगा। गाइस, ये लोग अभी बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद सुपर पावर बनने आने वाले, ठीक है, बनने वाले। मेरे अंदर सुपर पावर आ गया है। लगता है ये मुझ पे काम नहीं कर रहा है। तेरी आंखें बंद कर और अब किसी खूबसूरत लड़की के बारे में सोच। उस लड़की को अच्छे से इमेजिन कर। उस लड़की की शक्ल कैसी है, उसकी बाल कैसे है, वो दिखती कैसी है। अरे बॉस, मैंने इमेजिन कर लिया, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। लगता है ये मुझ पे काम नहीं कर रहा है। अब मुझे कोई दूसरा सुपर पावर दो। पति जहर खूबसूरत लग रहा है बेदू यार। अरे अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझे बॉस? भाई सुपर पावर देख रहे हो? ओ नहीं, ये क्या हो गया बॉस मुझे? अरे नहीं, मेरे अंडे कहाँ गए? मेरे दो अंडे कहाँ गए? बॉस आपने ये क्या कर दिया, मुझे लड़की बना दिया बॉस। मुझे तो ऐसा लगा था मेरे अंडे कहाँ गए। आप मुझे कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन या शक्तिमान जैसा सुपर पावर देंगे, पर आपने तो मुझे लड़की बना दिया बॉस। चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें कोई लड़की नहीं बनाया है, ये तुम्हारा पावर है। तुम किसी के भी चेहरा बदल सकते हो और किसी के भी रूप में आ सकते हो, और तुम्हारे पावर में है 100 इंसान की ताकत। पर बॉस, ये पावर तो मुझे मिलना चाहिए था। अब तुझे एडम के पास जाना होगा और उसे तेरे प्यार में फंसाना होगा। ये तो बहुत आसान है। वो ऐसी खूबसूरत लड़की को देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगा। बॉस ये तो बहुत आसान है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा? तुझे एडम को ऐसे जगह बुलाना होगा जहाँ कोई लोग ना हो, और फिर तुझे एडम को किस करना होगा। क्या किस? बॉस आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं अंदर से लड़का हूँ, मैं किसी लड़की को किस कर लूंगा, पर उस पदोड़े को कभी किस नहीं करूँगा। मरना है क्या तुम्हें अभी? सॉरी बॉस, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। देख, एडम को किस करने से पहले तू तेरे मुंह के अंदर एक जहर का टेबलेट डाल के जाना। जो जहर का टेबलेट मैं तुझे दूंगा, और किस करते समय जैसे ही वो जहर का टेबलेट एडम के पेट में जाएगा वो मर जाएगा। चलो गाइस, आ चुका है एडम को पटाने के लिए लड़की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बात फर्स्ट साइट बेटा, मन में लड्डू फूटा। ये बात ये बात कैसे, कुछ लिखा होगा पता नहीं, दिख नहीं रहा है। डेट डेट के बारे में कुछ लिखा होगा। अरे कहाँ जा रहे हो मेरी अरे कहाँ जा रहे हो मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ गई वो खूबसूरत लड़की? कहाँ गई वो लड़की? अरे अभी तो यही थी। वो लड़की कितनी खूबसूरत थी, कहाँ गई वो? नहीं मिला रे बेचारी लड़की, चली गई इसको छोड़ के, अब लेटर पड़ गए। इसका मतलब वो खूबसूरत लड़की मुझे प्यार करती है। वरना किस में लिखा था, इतना ही पढ़ाई दिया मेरे को। काल्पनिक को लगता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, अब मैं इन दोनों की जलाऊंगा, अब मजा आएगा। अरे सुनो, आज एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने मुझे देखा है और मुझे देख के स्माइल भी किया। अरे क्या मजाक कर रहा है यार, आजा चला खेलते हैं। विश्वास नहीं कर रहा है यार। सच में उस खूबसूरत लड़की ने कल मुझे किस करने भी बुलाया है। अच्छा, तुझे लड़की ने बुलाया है, वो भी किस करने? गाइस कोई बिलीव नहीं कर रहा ना किस करने के लिए। खूबसूरत गर्लफ्रेंड भाई, शक्ल देखा है तूने आईने में अपनी? अरे काल्पनिक,
पर इसके बाद सच भी तो हो सकती है ना? हाँ, पर सपने में। इसने कोई रात में सपना देखा होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। और तुझे किसकर ने भी सपने में बुलाया होगा। यस 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 यस। अरे नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से। अरे कसम वसम खाने से कुछ नहीं होता, तू प्रूफ दिखा। क्या प्रूफ है तेरे पास बता? तुझे प्रूफ चाहिए ना? अभी अभी तुझे देता हूँ। गाइस, तुमने देखा ना ये वीडियो में, वो लड़की कितनी खूबसूरत थी, है ना? और उसने मुझे देखा और मुझे हाय कहा और उसने मुस्कुराया भी। यस 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 यस। तुम लोगों ने देखा था ना गाइस? यस यस, हमने देखा। लड़की ने मुझे किस करने भी बुलाया है ना। काल्पनिक और आलोक को लगता है कि मैं इन्हें झूठ बोल रहा हूँ। ये लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। इन लोग को लगता है कि मैं कोई खूबसूरत नहीं हूँ। गाइस, तुम लोगों ने देखा ना, उस लड़की ने मुझे कल किस करने भी बुलाया है ना? ये बात तुम काल्पनिक और आलू को बता दो गाइस इस वीडियो के कमेंट्स में। भाई अगली बार फोटो खींच के लाना, ठीक है? तेरे पादने का सुपर पावर से पटाया क्या लड़की है? ये गलत है ना, पादने का सुपर पावर इंसल्टिंग है बे। कैसा सुपर पावर मिला? हमको जिंदा मत छोड़ो साला। सुपर पावर दिया तो दिया, पादने वाला दिया यार। विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं उस लड़की के साथ किस करूंगा और उसके साथ फोटो भी खिंचाऊंगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी डालूंगा और फिर इन दोनों को भी दिखाऊंगा और इन दोनों की जलाऊंगा। पर मैंने तो कभी किसी लड़की को किस नहीं किया, मुझे पहले सीखना होगा कि किस कैसे करते हैं। क्या देखने वाला है? मानिया का वेबसाइट खोल रहा है क्या? How to kiss a girl? How to kiss a girl? चलो गाइस, इसे सीख लिया। Let's go! अरे नहीं, ऐसे नहीं। पहले मैं उसे आई लव यू बोलूंगा, फिर किस करूंगा। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बहुत मजा आएगा, मेरी भी गल। तुम लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, मैंने भी ऐसे नहीं आ था कुछ 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 फिर बनेगी। कल मैं उसे किस करूंगा, बहुत मजा आएगा। ला 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 ला। बेचारा एडम को लग रहा है कि वो कल किसी खूबसूरत लड़की को किस करने वाला है, पर ये बात एडम को पता ही नहीं है कि वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि टकला विलन है जो एडम को मारना चाहता है। लाल 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 लाल। चलो गाइस, एडम डेट में आ गया। पहली बार लड़की को किस करूंगा, फिर मैं उस खूबसूरत लड़की के साथ फोटो खींचूंगा और फिर काल्पनिक और आलू की जलाऊंगा। लाल 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 लाल। मेरी भी गर्लफ्रेंड बनेगी। गाइस मस्त जगह पे आ गए लोग। I love you. मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। तो मैं किस करूँ? ओके। मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है बॉस के लिए? इस कटोरे से तो उतना गाइस के हमको कंटिन्यू देखना चाहिए कि नहीं गाइस? थोड़ा देर समझ जा, थोड़ा स्किप कर दे कि नहीं? बोलो स्किप करे कि नहीं? तड़प ही ऐसी है ना, स्किप कर देते। क्या बोलते हैं, स्किप करते हैं पार्ट। वे क्या हो गया? एडम बियोस हो गया। ओ नहीं, लड़की लड़का बन गया। एडम मर गया। ओके क्या हो गया? अरे मैं बुलेट प्रूफ हूँ रे बाबा।
तुझे गोलियां कुछ नहीं कर पाई, पर मेरा एक लात तुझे जमीन पे गिरा के पटक दिया। वाओ बॉस का पावर तो सच में कमाल का है भाई साहब, पे 100 इंसान की ताकत आ गई है। अब तो मेरे पास भी सुपर पावर है, अब तो तू पक्का मरेगा। भाई दिया बे जबरदस्त घर तोड़ दिया। माना कि तू बुलेट प्रूफ है, पर तू इस बजुका से बच नहीं पाएगा। अरे नहीं, क्या सच में मैं ये हथियार से मर जाऊंगा? देखते हैं क्या होता है। आ गया भाई। अरे आजा भाई, गले लग जा। अरे थैंक यू यार, तू मेरा सच्चा भाई। एडम का, एडम को खोजो बे। नहीं आता तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता था। इट्स ओके भाई, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्या हो गया? अरे काल्पनिक, ये तूने क्या किया? अच्छा काल्पनिक नहीं था, अरे ये विलेन था बे। यही तो हमारा प्लान था, काल्पनिक और तेरी दोस्ती का फायदा उठाना, तुझे गोली मारना या फिर तुझे जेसीपी से मारने की कोशिश करना या फिर वजूका से मारते समय काल्पनिक तुझे बचाना, ये सब हमारा प्लान था और तू उसमें फंस गया। बॉस ने हमें सही कहा था, तुझे बंदूक से या बम से मारना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तेरे पास सुपर पावर है। इसीलिए हमने इस खतरनाक वाइब्रेनियम तलवार का इस्तेमाल किया तुझे मारने के लिए। ये तलवार इसीलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये भी वही चीज से बना है जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जिस चीज से बनी थी। माय गॉड, कल हमें उस काल्पनिक को कैसे भी मारना होगा, नहीं तो बॉस हमें मार देंगे। अरे यार तू टेंशन मत ले, कल हम दोनों मिलके मारेंगे उसे। अरे सुन, जब तू पावर का यूज करता है ना, काफी सुंदर लड़की बन जाता है यार। हाँ वो तो है, सच कहूँ तो मैं मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी बन सकता हूँ यार। सुन ना भाई, मैं बचपन से सिंगल हूँ यार, मेरी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी यार। समझ रहे हो, समझ रहा? पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? तू बहुत कुछ कर सकता, तू समझना यार। पर कैसे यार? मेरे माइंड में यही चल रहा था, मेरा कोई दोस्त सुपर पावर होता उसके पटा लेता मैं। लड़की बन जा। मेरे मन की बात वीडियो में इसलिए एक्सप्रेस कर दी यार। देख भाई, तू भले ही अंदर लड़का हो पर बाहर तो लड़की है ना। हट, पागल हो गया क्या? दूर है मुझसे, कुछ भी बोलता है यार। ओ भाई, बस एक किस दे दे यार, एक चुम्मा, एक पप्पी दे दे बस। अरे यार तू अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अरे आलू का खून बह रहा है, कोई से हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे लगा था कि तू जहर से मर जाएगा और तू तलवार से मर जाएगा, पर तुम दोनों अभी तक जिंदा हो मेरे सुपर पावर की वजह से। पर तुम लोगों ने मेरा पावर मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। काल्पनिक तुझे छोड़ेगा नहीं, चिंता मत करो, उसको भी हम पकड़ के मार देंगे। तुम लोग काल्पनिक को पकड़ क्या छू भी नहीं सकते हो, उसके पास स्पीड का पावर है, समझते हो? हमें उसे पकड़ना नहीं है, हमें तो उसे बस बेवकूफ बनाना है, तुम लोगों की दोस्ती और तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना है, बस। देखना चाहोगे कैसे? अभी दिखाता हूँ। हाँ? जाओ और काल्पनिक अच्छा। को मार दो। अरे नहीं, अरे आलोक, ये तो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। गेम खेल रहा है। अरे काल्पनिक क्या कर रहा है? अरे गेम खेल रहा हूँ यार, तू भी आजा साथ में खेलते हैं। चलो देखते हैं। गेम अभी मैं जीतने वाला हूँ, उसके बाद साथ में खेलते हैं, ठीक है? ओ, विलन का तलवार काल्पनिक को काटने वाला है, वो भी 2 टुकड़ों में, और काल्पनिक को अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि विलन है। अरे पर काल्पनिक के पास तो स्पीड का पावर है ना? हाँ काल्पनिक के पास स्पीड का पावर है, पर उसे तो पता ही नहीं कि वो विलन है,
उसे तो लग रहा है कि वो मैं हूँ और काल्पनिक के ध्यान सिर्फ गेम के तरफ है। भाई साहब, कैसे भी करके वहाँ से निकलना होगा और फिर हम दोनों को बचाना होगा, चाहे हमें बचाने के लिए क्यों ना विलेन को ही मारना पड़े। क्या मैं मर जाऊंगा या फिर इन दोनों को मैं बचाऊंगा? गाइस ओपी, जी गाइस, काफी बढ़िया वीडियो था, आधे घंटे का वीडियो, फुल इंटरटेनिंग, काफी मस्त था, बीच में फन था। ओपी भाई, काफी जबरदस्त गाइस। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? काफी बढ़िया लगा मुझे। बाय द वे यार, इसके चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को भी करो यार।